सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रिंस एंड स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीकासोल कैप्सूल के यूज़ के बारे में। सो दोस्तों, ये जानेंगे कि बीकासोल कैप्सूल के यूज़ क्या होते हैं, इसका डोज किस प्रकार से लिया जाता है, इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं और मार्केट में इसके प्राइस क्या होते हैं। सो गाइज, टाइम वेस्ट न करते हुए हम जानकारी को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीकासोल कैप्सूल में मिले हुए इंग्रेडिएंट्स के बारे में कि आखिर इसमें क्या मिला होता है। तो गाइज, आपको बता दूं कि बीकासोल कैप्सूल जो होता है यह एक मल्टीविटामिन कैप्सूल होता है और इसके साल्ट की बात करें तो इसमें विटामिन B12 होता है, विटामिन सी होता है, निकोडिनामिड होता है, कैल्शियम भी इसमें मिला होता है, यानी बहुत सारे मिनरल्स इसमें अवेलेबल होते हैं। बात करें दोस्तों इसके यूज़ के बारे में, तो इसका यूज जो है बहुत सारी कंडीशन में किया जाता है। इसका यूज जो है, यदि आपको वीकनेस महसूस होती है तो भी आप कर सकते हैं, यानी आपको यदि कमजोरी वगैरह होती है तो भी आप बीकासोल कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। माउथ अल्सर में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, यदि आपको जो है मुँह में छाले वगैरह हो गए हैं तो भी आप बीकासोल कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। यदि आपका पेट प्रॉपरली साफ नहीं हो पाता तो भी जो है आप बीकासोल कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको बता दूं कि यदि आपको जो है हाथ पैरों में नॉर्मली पेन बना रहता है, यदि आपको विटामिन B12 या फिर आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी में नॉर्मली पेन होने लगता है, तो उस कंडीशन में भी जो है आप बीकासोल कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। और गाइस, आपको बता दूं कि यदि आपको कमजोरी कारण चक्कर जैसा महसूस होता है या फिर नॉर्मली हेडेक बना रहता है या फिर यूं कहें कि नॉर्मली आपको जो है हेड में पेन होता है, सर दर्द होता है, तो भी जो है आप बीकासोल कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको बता दूं कि बीकासोल कैप्सूल का प्रयोग जो है मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि फीमेल जो है प्रेग्नेंट है या फिर यूं कहें कि जो है यदि आप जो है प्रेगनेंसी वाले अवस्था में हैं, तो उस कंडीशन में भी आप बीकासोल कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में भी बीकासोल काफ़ी अच्छा वर्क करता है। एक्चुअली फ्रेंड, गर्भवती महिलाओं में क्या होता है कि उन्हें अक्सर जो है आयरन और जो है विटामिन B12 या फिर जो है कैल्शियम की कमी होने लगती है, तो ऐसी कंडीशन में बीकासोल कैप्सूल का प्रयोग जो है गर्भवती महिलाएं भी कर सकती हैं। और दोस्तों, बीकासोल कैप्सूल का जो प्रयोग है, यदि आपके मसूड़ों में जो है सूजन आ जाती है या फिर यूं कहें कि यदि आपको स्कर्वी जैसे डिसीजेस हैं, आपको जो है मुंह से थोड़ा बास जैसा आता है, तो भी जो है आप बीकासोल कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स, बीकासोल कैप्सूल में विटामिन सी होता है जो कि हमारे मसूड़ों के लिए काफ़ी इफेक्टिव होता है। यदि आपको जो है टीथ पेन होता है, नॉर्मली जो है आपके दांतों में पेन बना रहता है, तो भी जो है आप बीकासोल कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें हम बीकासोल कैप्सूल के डोज के बारे में, तो इसका जो डोज होता है वो सुबह में नाश्ता करने के बाद एक कैप्सूल या फिर आप दोपहर में भी ले सकते हैं। एक्चुअली फ्रेंड, जो इसका डोज होता है वो दिन में एक बार ही लेना चाहिए। बच्चों की बात करें दोस्तों, तो बच्चों में इसका डोज नहीं देना है, अडल्ट में ही इसका डोज दिया जाता है। और दोस्तों, बात करें हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में, तो उसके कुछ नॉर्मली साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि नोजिया होना, वोमिटिंग होना, फिर एब्डोमेन में बर्निंग महसूस होना, या फिर यूं कहें कि आपके पेट में नॉर्मली जो है जलन भी महसूस हो सकते हैं, या फिर जो है आपके बॉडी में स्वाइलिंग जैसा आना, ये जो है इसके नॉर्मली साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। और दोस्तों, यदि आप इसे मार्केट में परचेज करने के लिए जाते हैं, तो इसकी जो 20 कैप्सूल हैं ये आपको 30 से 40 रुपीज़ के आसपास मिल जाती हैं। सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं कुछ लोगों के डाउट्स और सवाल के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के ये सवाल होते हैं कि क्या सर हम इसका यूज प्रेग्नेंट महिलाओं को करवा सकते हैं। तो बेसिकली इसका यूज जो है प्रेग्नेंट महिलाओं को भी करवाया जा सकता है। और दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोगों के सवाल ये भी होते हैं, क्या हम इसका यूज स्तनपान करने वाली महिलाओं को करवा सकते हैं। तो बेसिकली स्तनपान करने वाली महिलाओं को भी इसका यूज करवाया जा सकता है। और दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के सवाल ये भी होते हैं, क्या हम इसका यूज जो है अपने बॉडी को डेवलप करने के लिए या फिर मसल्स ग्रो करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। तो गाइज, आपको बता दूं कि यह एक नॉर्मल मल्टीविटामिन कैप्सूल होती है, इसको जो है बॉडी बनाने के लिए यूज़ में नहीं लिया जाता, या फिर यूँ कहें कि इसका आप लगातार यूज करते हैं तो इसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। यदि आप बॉडी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कोई सप्लीमेंट चूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों, आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।